हेलो बच्चों, आज हम अध्याय मानवीय पर्यावरण के बस्तियों, परिवहन एवं संचार के भाग दो पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सड़क मार्ग पे, रेल मार्ग पे, जल मार्ग पे, संचार पर और संचार के महत्व पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम सड़क मार्ग से। बच्चों, कम दूरी की यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग में किया जाने वाला मार्ग सड़क मार्ग ही है। बच्चों, सड़क की पहुंच छोटे छोटे गांव से लेके पर्वतीय क्षेत्रों तक होता है और सड़क दो प्रकार की होती हैं, पक्की सड़क एवं कच्ची सड़क। जो कच्ची सड़क होती है वो मिट्टी की बनी होती है, जबकि पक्की सड़क जो है सीमेंट की बनी हुई होती है। बच्चों, मरुस्थल वन एवं ऊंचे पर्वतों पे भी सड़कें बनी हुई हैं और हिमालय पर्वत पे मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। आपकी जानकारी के लिए जहाँ पे बता दें कि महत्व के अनुसार सड़कों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिले की सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा सड़क मार्ग पे जारी रखते हैं। बच्चों, भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सभ्य कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। फ्लाईओवर व्यस्त सड़कों के ऊपर बनाए जाते हैं, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, सड़कों को बनाना तथा इनके रख रखाव मैदान एवं कम ऊंचाई वाले जगहों पे कम खर्चों में किया जा सकता है, जबकि हिमालय पे सड़कों का बनाना और उनका रख रखाव खर्चीला होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे रेल मार्ग पे। बच्चों, भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। आपको जहां पे मैं ये तो बता दूं कि भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई तथा थाने के बीच में अर्थात 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। बच्चों, रेल मार्ग भारत के कुल सामान तथा यात्री यातायात का लगभग 70% भाग का परिवहन करती है। बच्चों, वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। आपको जानकारी के लिए यहाँ पे ये बता दूं कि भारत में रेल की 3 गेज है, बड़ी लाइन अथवा चौड़ी गेज जो कि 1.676 मीटर चौड़ी है, दूसरी मध्यम लाइन अथवा मीटर गेज जो कि 1.0 मीटर चौड़ी है और तीसरी छोटी लाइन अथवा संकरी गेज जो कि 0.61 मीटर चौड़ी है। बच्चों, रेल मार्ग ने कम खर्चों में भारी सामान एवं मानव को तेज आवागमन का साधन प्रदान किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा रेल मार्ग पे जारी रखते हैं। बाद में वाष्प इंजन की जगह पे डीजल एवं विद्युत इंजन आया। बच्चों, सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तेज हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी से यहाँ तक कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। और अगर हम बात करें कि भारत में रेल मार्ग कितना विकास किया है, तो बच्चों, भारत में रेल मार्ग जो है विकसित अवस्था में है और एशिया में ये सबसे बड़ा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे जल मार्ग पे। बच्चों, प्राचीन काल से ही
जलमार्ग परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। भारी एवं बड़े आकार के सामानों को अधिक दूरी तक ढोने के लिए जलमार्ग ही सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग मुक्त दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग। अगर हम उदाहरण की बात करें तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में महान झील, अफ्रीका में नील नदी, ये सभी अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा जलमार्ग पे जारी रखते हैं। बच्चों, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारी माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए किया जाता है, और ये समुद्री मार्ग जो हैं बंदरगाहों से जुड़े हुए होते हैं। बच्चों, अगर हम उदाहरण की बात करें तो भारत में मुंबई चेन्नई और विशाखापट्टनम, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स, अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन जो है प्रमुख बंदरगाह है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे वायु मार्ग पे। बच्चों, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित वायु परिवहन परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, परंतु ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। बच्चों, यह साधन जो है खराब मौसम जैसे कि कोहरे, तूफान इत्यादि से प्रभावित होता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने एवं भोजन, वस्त्र, जल, दवाइयां इत्यादि पहुंचाने में बहुत उपयोगी है। बच्चों, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों की, तो भारत में महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों में मुंबई दिल्ली, भारत के बाहर न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, काहिरा इत्यादि हैं। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे संचार पर। जिस प्रकार परिवहन के द्वारा यात्री तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, बच्चों ठीक उसी प्रकार संचार के द्वारा संदेश तथा विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। बच्चों, पहले के जमाने में संचार का माध्यम मुख्य रूप से मानव तथा पशु हुआ करते थे, परंतु तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से पूरे विश्व में सूचना क्रांति आई है। बच्चों, सूचना प्रदान करने, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे संचार के महत्व पे। तो बच्चों, जब हम संचार की महत्व की बात करते हैं तो इसके कारण संचार के जो माध्यम हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट, इसने क्या किया है कि पूरे विश्व को एक दूसरे के समीप ला दिया है। हम एक सेकेंड के अंदर ही इंडिया में बैठे बैठे अपने रिश्तेदार जो कि यूरोप में बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं। वही दूसरे सेकेंड ही हम यूरोप में अगर कोई घटना होती है तो उसको हम तुरंत के तुरंत टेलीविजन पे देख सकते हैं। अर्थात क्या हुआ है कि इन माध्यमों के कारण पूरा विश्व जो है एक दूसरे के निकट आ गया है। बच्चों, अगर हम संचार के दूसरे महत्व की बात करें तो एक दूसरे के संपर्क में होने के कारण हम एक बृहत विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। अर्थात आप एक एग्जांपल लीजिए,
पहले आप एक स्टेज पे जाने में आपको घबराहट होती थी, पर अब आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एप्स हो गए हैं जिसपे आप अपनी हुनर को दिखाते हैं या दूसरे के हुनर को देख के प्रोत्साहित होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का विकास होता है। और इसी तरह अगर सारे इंडिविजुअल का एक स्तर पे विकास होगा तो उससे क्या है, पूरा एक समाज का विकास होता है। अर्थात संचार के माध्यमों के कारण ही हमारे समाज का तीव्र गति से विकास हो रहा है। बच्चों, संचार के महत्व की बात करें तो ये जो है जीवन को सरल बना दिया है, अर्थात जीवन संचार माध्यम से सरल हो गया है। जैसे कि पहले आपको अपने परिजनों से अगर संपर्क करना होता था तो आप चिट्ठी लिखते थे और उन तक चिट्ठी पहुंचने में हफ्ता या 10 दिन लग जाता था, पर अब 10 सेकंड के अंदर आज के दौर में आप उनसे बात कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप उनसे फेस टू फेस, जिसे हम वीडियो कॉलिंग कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा जीवन जो है सरल हो गया। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र तथा इंटरनेट, इन सभी का जो है अपनी अपनी जगह पे बहुत महत्व है, और ये सभी हमारे जीवन को सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करते हैं संचार के अगले महत्व की, तो हम घर बैठे रेल, वायुयान, सिनेमा इत्यादि के टिकट भी आरक्षित करवा सकते हैं। पहले क्या होता था, टिकट आरक्षण के लिए हमें लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ती थी। अगर आपने अपने मम्मी पापा या किसी परिजन से सुना होगा कि पहले जब उन्हें तत्काल टिकट लेने होती थी रेलवे की, तो सुबह 6 बजे या 5 बजे से ही वो कतार में खड़े हो जाते थे। पर बच्चों, संचार के विकास के कारण अब हम घर बैठे ही किसी भी चीज की टिकट को बुक कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की सड़क मार्ग पे, रेल मार्ग पे, जल मार्ग पे, संचार पे और संचार के महत्व पे। और बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।